हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग करेंगे चार सेक्शन डायरेक्टर के रिवाइव, वो भी जल्दी जल्दी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, भर भर के क्वेश्चन उसके अंदर। सो पहला सेक्शन आएगा, पहले मैं चार सेक्शन बता देता हूँ कौन से हैं। 149(1) जिसमें से आपका होता है मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितना हो सकता है कंपनी में। सेकंड आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप 165 नंबर सेक्शन। उसके बाद 164 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, जिसमें कि सारी डिस्क्वालिफिकेशन बताएं ग्राउंड्स। एंड देन आपका 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर क्या क्या होती हैं। तो चालू करते हैं 149(1) से। तो भैया मैक्सिमम मिनिमम नंबर कितना हो सकता है डायरेक्टर का? अगर देखो पहली बात तो इंडिविजुअल डायरेक्टर अपॉइंट होगा, वो बात दिमाग में बैठा लो। तो इंडिविजुअल कितना हो सकता है? पब्लिक में 3, प्राइवेट में 2, ओपीसी में 1। सिंपल, मिनिमम तो एकदम सिंपल है, मिनिमम इतना क्राइटेरिया। मैक्सिमम इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ कंपनी, पब्लिक है प्राइवेट ओपीसी कुछ भी हो, 15 ही हो सकता है। आपको 15 से एक्सीड करना है तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने की जरूरत किसमें नहीं पड़ती, आपकी जरूरत नहीं पड़ती अंडर सेक्शन 8 की कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी में। सो 149(1) खत्म। उसके बाद आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, एक डायरेक्टर कितनी कंपनी में डायरेक्टर हो सकता है, उसका आपका सेक्शन है 165। और उसमें आपको देखना पड़ेगा अगर वो कंपनी प्राइवेट और पब्लिक है, पब्लिक प्लस प्राइवेट इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टरशिप हो सकता है मैक्सिमम नंबर 20। मैक्सिमम पब्लिक में हो सकता है इंक्लूडिंग अल्टरनेट डायरेक्टर 10। और इसमें एक और बात है, अगर आपकी कोई पब्लिक की सब्सिडरी प्राइवेट है तो उस प्राइवेट को आप एज अ पब्लिक कंसीडर करोगे। अगर किसी प्राइवेट की सब्सिडरी पब्लिक है तो भी आप उस प्राइवेट को एज अ पब्लिक कंसीडर करोगे। मतलब भाई पब्लिक ही कंसीडर करना है, वो होता है ना छुरी पे गिरे सेब या सेब पे गिरी छुरी, वैसे को सीन है। प्लस आप इन डायरेक्टर्स में किस चीज़ को एक्सक्लूड करोगे, नंबर जो 20 और 10 का लाने के लिए आप एक्सक्लूड करोगे उसमें आपके अगर गवर्नमेंट कंपनी में कोई डायरेक्टरशिप है, प्लस अगर आपकी कोई डायरेक्टरशिप है अंडर सेक्शन 8 की कंपनी में। ओहो, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी सेक्शन। इसमें एक और कैच है कि भाई अगर कंपनी को अगर कम करना है कि नहीं भाई, हम तो किसी चाहते हैं कि डायरेक्टरशिप इसकी नंबर कम हो जाए, तो दे कैन डू इट बाय पासिंग एसआर, ऐसा पास करना पड़ेगा। तो वो लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये बंदा इससे ज़्यादा कंपनी में डायरेक्टर नहीं बन सकता। उसके बाद हमारा दूसरा केस आता है 164 एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग सेक्शन। इसमें मैं जो बताऊंगा पॉइंट्स वो एक्चुअली आपको सीक्वेंस में याद करना पड़ता है, मुझे भी बिकॉज ए बी सी डी के हिसाब से वो लिखना पड़ता है। अगर किसी बंदे को अगर आंसर में और ज़्यादा रेफरेंस देना तो ए बी सी डी भी डालना पड़ेगा। सो उसके अंदर ये जो आपका मेन सेक्शन है 164, इससे रिगार्डिंग ग्राउंड क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, तो सीधा डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है। डिस्क्वालीफाई नहीं तो ऑब्वियसली वो क्वालिफाई है। सो 164 में आता है आपका ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। उसके अंदर पहला आपका है कि भैया अगर मेरा बंदा अनसाउंड माइंड है तो नहीं बन सकता डायरेक्टर। दूसरा केस है अगर वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है तो भी नहीं बन सकता। तीसरा उसने एप्लीकेशन डाला हुआ है टू बी एडजुडिकेटेड एज एन इंसॉल्वेंट और एप्लीकेशन अभी तक पेंडिंग है तो नहीं बन सकता। चौथा केस है जिसमें कि दो पॉइंट्स हैं। चौथे केस के अंदर आपका उसने अगर कोई क्राइम करा है जिसमें कि उसको कन्विक्टेड बाय कोर्ट हुआ है वो, और उसका इंप्रिजनमेंट है 6 से 7 साल तक अगर, तो उसको होगा 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन। अगर वो 7 साल से ऊपर का है तो उसको होगा लाइफ टाइम का डिस्क्वालिफिकेशन। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भैया हमारा कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने, कि ये बंदा डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, और जब तक वो ऑर्डर इन्फोर्स है भाई तुम डायरेक्टर नहीं बन सकते। अगला केस है भाई कि आपको किसी शेयर्स पे कॉल पे करना था, प्लस आपको 6 महीना बीत चुका है, अभी तक आपने कॉल नहीं पे करा है, तो भैया आप डिस्क्वालीफाई हो। उसका नेक्स्ट सेक्शन आता है अपना रिगार्डिंग दिस व्हाट यू कॉल इट, आपने अगर कोई अंडर सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी वाला सेक्शन, उसके अंदर आपने कोई कन्विक्शन अगर करा है तो भी आप नहीं बन सकते डायरेक्टर। देन आपका है अगर आपके पास डिन नहीं है अंडर सेक्शन 154, या फिर कोई अदर स्पेसिफाइड नंबर नहीं है, स्पेसिफाइड सीजी जो होता है 153 के अंदर वो नहीं है तो भी आप डायरेक्टर नहीं बन सकते। देन लास्ट थिंग यहाँ पे है, अगर 165(1) का वायलेशन होता है, डायरेक्टर सिर्फ एक्सीड कर जाते हो आप एक नंबर जो मैक्सिमम था उसे एक्सीड करते हो, तो स्टिल अगेन यू आर डिस्क्वालीफाइड। सो ये थे अपने जो कुछ केसेस है डिस्क्वालिफिकेशन के, ये 164(1) था ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन। सेकंड इसमें होता है कंपनी के केस में, आप एक अगर कोई कंपनी कोई डिफॉल्ट करती है तो उस केस में आप कैसे आपकी डायरेक्टरशिप खतरे में आ सकती है, तो होता है 164(2) अगर कोई कंपनी 3 साल तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपनी और एनुअल रिपोर्ट सबमिट नहीं करती है प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, तो आप 5 साल तक डिस्क्वालीफाई हो। सेकंड अगर कोई कंपनी 1 साल से ऊपर डिविडेंड ना पे कर पाए, किसी आपने प्रिंसिपल पे नहीं करा किसी डेब्ट का, प्लस उसका इंटरेस्ट पे ना करा हो, उसके बाद अगर आपने अपना कोई डिबेंचर वगैरह रिडीम ना करा, तो भैया आपके ऊपर 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन आ जाएगा। ये थे केसेस। और इसमें एक और चीज़ है कि ये जो आपका 164(2) है गवर्नमेंट कंपनी पे एप्लीकेबल नहीं है और अंडर सेक्शन 8 वाली कंपनी में, इफ़ दे हैव सबमिटेड देयर एनुअल रिपोर्ट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन टाइम, तो मतलब उसमें सेकंड वाला केस ही अप्लीकेबल, वो सेकंड वाले केस में ही सेफ गार्ड मिलेगा जो कि आपका पेमेंट वाला था 1 साल से ऊपर ना कर पाओ। तो इसमें एक और चीज़ है कि कोई डायरेक्टर अगर अपॉइंट हो रहा है उस कंपनी में जो कंपनी ऐसे डिफॉल्ट करी, तो 6 महीने तक उसे डिस्क्वालीफाई नहीं मानेंगे। सो आपका था 164 पूरा।
सो गाइस जो अगला सेक्शन है वो आपका 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स। तो भाई अगर डायरेक्टर आ रहा है कंपनी पर, उसकी ड्यूटी क्या क्या होती है, इसे परफॉर्म करनी पड़ती है। सो पहली ड्यूटी है इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल्स आपको काम करना पड़ेगा। सेकंड है इन अ वेरी वेरी गुड फेथ आपको काम करना पड़ेगा। थर्ड है आपको अपनी कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करना है जब आप कोई ड्यूटी परफॉर्म करोगे। फोर्थ है आपको इन बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ कंपनीज एंड स्टेक होल्डर्स आपको काम करना है। फिफ्थ है आपका टू परफॉर्म द ड्यूटीज इन अ वेरी ड्यू एंड रीजनेबल केयर के साथ काम करना है आपको। स्किल एंड आपको पूरे स्किल्स वगैरह उसमें लगाने हैं। उसके बाद आपका होता है कि आपका कोई भी कन्फ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट ना आए, ऐसी कोई ट्रांजेक्शन वाल मत हो जहाँ आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। उसके बाद आपको कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी किसी भी ऐसी ट्रांजेक्शन में जाना जिसमें कि आपको अनड्यू एडवांटेज मिले। उसके बाद आपको नॉट टू असाइन योर ऑफिस, आपको अपना ऑफिस असाइन नहीं करना। इसके ऊपर एक जजमेंट भी पास हो रखी है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर जजमेंट क्या थी। उसके बाद है लास्ट आपका पॉइंट होता है आपको यस यू हैव टू एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। वाह वेरी इजी पॉइंटर्स मैंने बता दिए क्विकली क्विकली। डन 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 वेरी क्विक वीडियो।